गाइस, अगर आपसे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, या 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, या 1 का कितने भी बड़ी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। सबसे पहले तो आप 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, है ना। अगर 11 का वर्ग करते हैं तो इसमें कितने अंक हैं, तो 2 डिजिट हैं, तो इसमें सबसे पहले 1 और 2 लिख लेना ऐसे, और 2 के बाद घटते क्रम 2 के बाद 1 लिख लेंगे, तो 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। ऐसे ही अगर 111 का वर्ग करते हैं तो कितने डिजिट हैं, तो 3 है, तो 1 2 3 लिख लेंगे ऐसे, और इसके बाद से घटते क्रम कीजिए, 3 के बाद 2 फिर 1। 111 का कितना हो गया, इतना वर्ग हो गया। अब ऐसे ही अगर 1111 का वर्ग करना है तो पहले कितने डिजिट हैं, तो 4 है इसमें, तो इसमें पहले 4 तक गिनिए, 1 2 3 4 लिखने के बाद फिर घटते क्रम लिखिए, 3 2 1, ऐसे करेंगे। अगर ऐसे ही 1 का 5 अंकों का वर्ग निकालना हो तो सबसे पहले कितने डिजिट हैं इसमें, तो 5 हैं, 5 तक, तो इसमें पहले लिखिए 1 2 3 4 5, ऐसे लिखने के बाद फिर घटते क्रम में लिखिए 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ऐसे अगर आप 1 का कितने भी बड़ी संख्या हो, इजीली आप ऐसे ही इस ट्रिक से निकाल पाएंगे। अगर ये ट्रिक कैसा लगा चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब